नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 जून दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दूसरे राज्यों में भी बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर की चल रही चर्चा। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को सीएम नीतीश ने पूरा करने का दिया निर्देश। बिहार के 6 स्टेट हाईवे के निर्माण को मिली मंजूरी। परीक्षा में पेपर लीक और दूसरे गड़बड़ी को रोकने के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला। सोशल मीडिया पर छाई बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा और आयशा शर्मा। आज किसान सम्मान निधि की जारी होगी 17वीं किस्त। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस के लिए निकाली भर्ती। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 518 रिक्त पदों पर की जाएंगी। इस भर्ती के लिए 8वीं 10वीं ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 जुलाई 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट mazgaondoc.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। दूसरे राज्यों में भी बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर की चल रही चर्चा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिहार में पूर्ण रूप से बिजली का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य हो चुका है। बिहार में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। बिहार में लगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दूसरे राज्य भी तारीफ और वाहवाही कर रहे हैं, साथ ही इसे अपनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। अभी हाल में ही महाराष्ट्र से एक टीम स्मार्ट प्रीपेड मॉडल के अध्ययन के लिए बिहार पहुंची, वहीं अब केरल की एक टीम भी बिहार आने की तैयारी कर रही है। बिहार के बिजली कंपनियों के अधिकारियों के साथ महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के चीफ इंजीनियर डॉक्टर मनीष वात और CJM अविनाश हवारे ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के अनुभवों पर बात की है, साथ ही सामने आई चुनौतियों और अनुभवों पर बात हुई। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे देवकी नंदन खत्री के बारे में। आज के दिन वर्ष 1861 में बिहार के समस्तीपुर जिले में देवकी नंदन खत्री का जन्म हुआ था। ये हिंदी के प्रथम तिलस्मी लेखक थे। इनकी रचनाओं में चंद्रकांता, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदना, कटोरा भर, भूतनाथ आदि शामिल है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता का हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में काफी योगदान रहा। इन्होंने वाराणसी में लहरी प्रेस नाम की एक प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित की थी, जहां से वर्ष 1900 में हिंदी मासिक पत्रिका सुदर्शन का प्रकाशन आरंभ हुआ था। 1 अगस्त वर्ष 1913 में ये दुनिया को अलविदा कह गए। भीषण गर्मी के बीच पटना और गया के स्कूलों को उस दिन तक बंद करने का मिला निर्देश। पटना सहित बिहार के कई इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी का सितम जारी है। तपती गर्मी से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। पटना और गया जिला में बढ़ती गर्मी को देखते हुए 18 और 19 जून तक 8वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 18 जून को स्कूल खुलने वाले थे। हालांकि गर्मी में राहत नहीं मिलने और मॉनसून के आने में देरी होने से स्कूल बंद रहने की तिथि और बढ़ा दी गई है। पटना DM कपिल अशोक ने कहा है कि भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पटना जिला में भीषण गर्मी और लू की स्थिति है, जिसका छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसे में 18 से 19 जून तक पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूल में क्लास 8 तक के शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए अभ्यर्थियों की मांग हुई थी। डोमिसाइल नीति को BPSC शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण में लागू करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इन दिनों सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर प्रदेश के 1.5 लाख से भी अधिक शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग ट्रेंड करवा रहे हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक इस नीति के हटने से उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लाखों बिहार में लोग बेरोजगार हैं, जिससे उनका भविष्य भी खराब हो रहा है। उनकी मांग है कि फिर से डोमिसाइल नीति को लागू की जाए, ताकि बिहार से लोगों का पलायन रुक सके। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को सीएम नीतीश ने पूरा करने का दिया निर्देश। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 2 चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7-2 के अंतर्गत सरकारी नौकरी और रोजगार देने के निर्धारित लक्ष्यों को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया है। ये जानकारी आईपीआरडी बिहार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी गई है। आपको बता दें कि इसके तहत प्रदेश में युवाओं को 10,00,000 सरकारी नौकरी और रोजगार समेत कई चीजों का लक्ष्य रखा गया है। इस वित्तीय वर्ष बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 250 चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी। बिहार के कई जिलों में इस वित्तीय वर्ष 250 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने की तैयारी है। प्रदेश में अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सरकार द्वारा जगह का सर्वे भी शुरू किया गया है। प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन लगाने में कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने का विभिन्न स्टेक होल्डर्स और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है। 1,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने का परिवहन विभाग ने लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि 300 से भी अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट बिहार के कई पेट्रोल पंप और अन्य जगहों पर मौजूद है। बिहार के इन 6 स्टेट हाईवे के निर्माण को मिली मंजूरी। बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट 4 के फेज 1 की सड़कों में 6 स्टेट हाईवे निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि स्टेट हाईवे निर्माण की योजना पूरे 1.5 साल से अटकी हुई थी। इन सड़कों को एशियन डेवलपमेंट बैंक से $200 मिलियन का लोन लेकर बनाया जाएगा। इन चयनित सड़कों के फाइनल DPR बनाने की तैयारी है। साथ ही जरूरी 73.71 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इन सड़कों के निर्माण से आर्थिक विकास में तेजी आएगी। बनगंगा, जेठियन, गहलोर, बिंदस रोड से गया से राजगीर की दूरी 10 किलोमीटर तक कम होगी। आरा इकोना खैरा सहार रोड से आरा अरवल की सीधी कनेक्टिविटी होगी। छपरा मांझी दरौली गुठनी रोड से छपरा शहर से यूपी के मऊ देवरिया गोरखपुर से आना जाना आसान होगा। धोरैया इंग्लिश मोर असरगंज रोड से मुंगेर भागलपुर बांका जमुई जिले में आवागमन सुगम होगा। सीतामढ़ी और मधुबनी जिले की सीतामढ़ी पुपरी बेनीपट्टी रोड से दोनों जिलों में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी और समय भी बचेगा। मुजफ्फरपुर के बाढ़ग्रस्त इलाके में बागमती पर हथौरी और आई रोड पर ब्रिज या अप्रोच रोड बनने से सालों भर आवागमन हो सकेगा। बिहार में पहाड़ों पर पौधारोपण के लिए शुरू होगी ये नायाब पहल। बिहार में पहली बार पहाड़ों पर पौधारोपण के लिए नायाब पहल शुरू की जाने वाली है। इसके तहत ड्रोन और हेलीकॉप्टर से नवादा, राजगीर, बेतिया, गया, सासाराम सहित अन्य जिलों के पहाड़ों पर सीधे सीड बॉल गिराए जाने की तैयारी है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए ये कोशिशें की हैं। 10,00,000 सीड बॉल की एयर ड्रॉपिंग पहाड़ी क्षेत्रों में की जाएंगी। हर साल जुलाई के अंतिम सप्ताह से इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि पूर्णिया में सीड बॉल बनाने की फैक्ट्री लगाई गई है। ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करना कैसे है फायदेमंद? हम में से कई लोग ट्रेन से सफर करना सबसे बेहतर समझते हैं, क्योंकि ट्रेन का सफर न केवल आरामदायक बल्कि अन्य ट्रांसपोर्ट के मुकाबले काफी सस्ता भी होता है। जब आप भी ट्रेन से सफर करते होंगे तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट लेते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से कौन सा टिकट लेना सबसे फायदेमंद है? ऑफलाइन टिकट बुक करने के मुकाबले ऑनलाइन टिकट बुक करना काफी आरामदायक होता है। आप इसे घर बैठे ही आसानी से बुक कर सकते हैं और ये काम जल्दी व आसानी से भी हो सकता है। वहीं ट्रेन कैंसिल हो चुकी है, आपने इस कैंसिल हुए ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक की थी तो आप आसानी से अपने टिकट को कैंसिल करवा कर अपने पैसे रिफंड ले सकते हैं। वहीं यदि आपने टिकट ऑफलाइन लिए थे तो इसे कैंसिल करवाने के लिए आपको स्टेशन काउंटर पर जाना होगा। फिर यहां कैंसिल टिकट का फॉर्म भरने के बाद बैंक डिटेल्स भी देनी होगी, उसके बाद ही आपके ये पैसे भी रिटर्न हो जाएंगे। ऐसे में साफ है कि ऑनलाइन टिकट बुक करना ज़्यादा आसान और सुविधाजनक होता है। आज किसान सम्मान निधि की जारी होगी 17वीं किस्त। आज किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाएगी। आज करीब 20,000 करोड़ रुपए 9.26 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दें कि साल में 3 बार किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। कृषि को प्राथमिकता देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 100 दिन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत साल 2019 में की गई थी, जिसके जरिए किसानों के खाते में सीधे इसका लाभ पहुँचाया जाता है। परीक्षा में पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ी को रोकने के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला। इन दिनों नीट पेपर लीक का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब पेपर लीक के इस मामले को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है।
इस फैसले के तहत बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो किसी भी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक या दूसरी गड़बड़ी को रोकने के लिए बेहद ही सख्त कानून बनाने जा रही है। कानून ऐसा होगा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की रूह कांप जाएगी। इस संबंध में बीते दिन सीएम नीतीश ने अपने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि नियुक्ति परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में इस साल बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी दी जानी है, ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए बिहार सरकार चला रही मुहिम। फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर इन दिनों बिहार सरकार काफी एक्शन में है। इसे लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार से फाइलेरिया बीमारी के उन्मूलन को लेकर राज्य सरकार संकल्पित है। इस मुहिम के तहत राज्य के 13 जिलों में आगामी 10 अगस्त से सर्वजन दवा सेवन अभियान द्वितीय चक्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आम जनों को फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जाएंगी। बिहार के 8 जिलों में बक्सर, भोजपुर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, नालंदा, नवादा और पटना में 2 तरह की दवाइयां खिलाई जाएंगी, जिसमें एल्बेंडाजोल जोल और डीईसी की दवाई शामिल है। वहीं राज्य के 5 जिलों में दरभंगा, लखीसराय, पूर्णिया, रोहतास और समस्तीपुर में 3 तरह की दवाइयां खिलाई जाएंगी, जिसमें आइवरमेक्टिन दवा को भी शामिल किया गया है। सर्विस सेंटर में फोन देने से पहले इन बातों का रखें ख्याल। जब भी हमारा फोन खराब होता है तो उसे बनवाने के लिए हम किसी रिपेयरिंग सेंटर या सर्विस सेंटर पर ले जाते हैं। जब भी आप अपना फोन किसी सर्विस सेंटर या रिपेयरिंग सेंटर पर दे रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना भी बेहद ही जरूरी है। जब सर्विस सेंटर पर आपके फ़ोन के पार्ट्स बदले जाएं तो उस पार्ट्स का बिल लेना ना भूलें। साथ ही ये भी जानें कि इसके खराबी का क्या कारण था। फ़ोन में कई तरह की परेशानी आती है, लेकिन सेंटर जाते ही हम इन परेशानियों को भूल जाते हैं। ऐसे में लिस्ट तैयार रखें ताकि फ़ोन में क्या क्या ठीक करवाना है ये आपको याद रहे। इस दौरान अपने डेटा का बैकअप लेना ना भूलें। साथ ही जब भी आप किसी सर्विस या रिपेयरिंग सेंटर पर जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो ऑथराइज्ड हो। सोशल मीडिया पर छाई बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा और आयशा शर्मा। बिहार से अपना संबंध रखने वाली बॉलीवुड स्टार नेहा शर्मा और उनकी बहन आयशा शर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने फैंस के बीच छाई हुई हैं। दरअसल इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ब्लैक आउटफिट में एक वीडियो शेयर किया है। इसमें दोनों ही बहनें काफ़ी खूबसूरत और स्टाइलिश नज़र आ रही हैं। इंस्टाग्राम पर ये वीडियो उनके फैंस के द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इनके फैंस इनकी काफ़ी तारीफ भी करते नज़र आ रहे हैं। रोजगार परक प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क तैयारी के लिए यहां करें आवेदन। करियर्स गाइडेंस केंद्र में नए सत्र के लिए पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए 30 जून तक आवेदन किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इन वर्ग के बच्चों को इस करियर गाइडेंस केंद्र में रोजगार परक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। इस केंद्र में बच्चों को कैट, मैट, क्लैट और न्यायिक सेवा परीक्षा समेत अन्य रोजगार परक परीक्षाओं की तैयारी एकदम निःशुल्क करवाई जाती है। मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केंद्र पूरे राज्य में 10 संचालित करवाए जा रहे हैं, जिसमें से 5 पटना में मौजूद है। पटना के अलावे ये केंद्र भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा और बोधगया में भी मौजूद है। झुलसा देने वाली गर्मी के बीच इन जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट हुआ जारी। गर्मी से परेशान लोग मॉनसून की राह देख रहे हैं। मॉनसून जिस संभावित तिथि को आने वाला था वो समय भी बीत चुका है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि झुलसा देने वाली गर्मी से 21 जून के बाद से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि आज एक बार फिर से बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, अरवल, पटना, जहानाबाद और गया जिले के कुछ जगहों पर लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सिवान, सारण, वैशाली, शेखपुरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, नवादा और नालंदा जिले में 1 या 2 स्थानों पर लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 38 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। दानापुर छावनी क्षेत्र में प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन का आगमन हुआ शुरू। दानापुर छावनी क्षेत्र में प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन का आगमन हुआ शुरू। प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन पटना के दानापुर में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। लोग इस प्रवासी पक्षी को मानसून का सूचक भी मानते हैं। जब इन पक्षियों का आगमन होता है तो लोगों को अच्छी बारिश होने की उम्मीद होती है। आपको बता दें कि साइबेरियन क्रेन का आगमन मानसून से पहले होता है और ठंड के बाद ये यहाँ से चले जाते हैं। इन प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा दानापुर छावनी क्षेत्र में देखने को मिलता है। इनके आने से दानापुर पक्षी विहार में बदल जाता है। आपको बता दें कि ये प्रवासी पक्षी सफ़ेद और काले रंग के होते हैं, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं।
दार्जिलिंग में हुए रेल हादसे पर लालू यादव ने केंद्र सरकार के सामने खड़े किए सवाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन में दर्दनाक हादसा हुआ। खबर लिखे जाने तक इस हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, वहीं कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घटना स्थल पर लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। अब इस हादसे को लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस हादसे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव ने भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि देश भर में लगातार हो रहे रेल हादसों का जिम्मेवार कौन है। पप्पू यादव की नाराजगी को देख रेल प्रशासन हुआ अलर्ट। पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद अपना पद संभालते ही पूरी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। बीते दिन उन्होंने पूर्णिया कोर्ट सेशन का जायजा लिया। इस दौरान गंदगी देखकर वे काफी नाराज भी हुए, जिसके बाद रेल प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया और पूर्णिया स्टेशन को महज 5 घंटे के अंदर चकाचक कर दिया गया। पप्पू यादव के इस एक्शन की लोग काफी सराहना भी कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि जल्द ऐसी सारी व्यवस्था को बदला जाएगा जिससे पूर्णिया की जनता परेशान है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने इन राज्यों में प्रदेश चुनाव प्रभारी का किया ऐलान। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब कई पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदों पर खरी नहीं उतरने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारी कर रही। देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर सभी राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा और अपने प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। जिन राज्यों के प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति हुई है उसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर शामिल है। इसमें बिहार बीजेपी के पूर्व प्रभारी भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी के तौर पर चुना गया है। बाबर आजम को लेकर वीरेंद्र सहवाग का चौंका देने वाला बयान। T20 विश्व कप 2024 में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन को लेकर भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का बयान सामने आया है। वीरेंद्र सहवाग ने क्रिक बज से बातचीत करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान मौजूदा T20 विश्व कप 2024 में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम में बदलाव करता है तो बाबर आजम T20 टीम में जगह पाने के लायक नहीं है। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत और अमेरिका से हार गई थी, जिसके बाद बाबर आजम की कप्तानी और बैटिंग को लेकर काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2008 में केंद्र सरकार ने गुर्जरों को OBC कोटे में 5% आरक्षण देने की घोषणा की थी। आज के दिन भारत यात्रा पर आए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मध्य 3 समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। आज के दिन वर्ष 1946 में राम मनोहर लोहिया ने गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया था। आज के दिन गोवा क्रांति दिवस मनाते हैं। आज के दिन घृणास्पद भाषण का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1861 में देवकी नंदन खत्री का जन्म हुआ था। ये पेशे से एक लेखक थे। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस के इस मैसेज के बारे में। इन दिनों इंडिया पोस्ट ऑफिस के नाम से लोगों के पास एक मैसेज पहुंच रहा, जिसमें लोगों को कहा जा रहा है कि आपका पैकेज गोदाम में पहुंच चुका है। यदि आप चाहते हैं कि ये पैकेज वापस ना हो, आप इस पैकेज को वापस होने से बचाना चाहते हैं, तो आपको 48 घंटे के अंदर अपना पता अपडेट करना होगा। एड्रेस अपडेट करने के लिए एक लिंक भी दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से ऐसे कोई भी मैसेज या लिंक नहीं भेजे गए हैं। इस तरह के अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचे ये असुरक्षित हो सकता है। PIB फैक्ट चेक ने भी इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। गूगल क्रोम पर मौजूद कंटेंट को पढ़ने के साथ ही सुन भी सकेंगे यूजर्स। गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अब यूजर्स गूगल क्रोम पर किसी भी कॉन्टेंट को केवल पढ़ ही नहीं सुन भी पाएंगे। अभी तक तो ऐसा होता था कि हमें वेबसाइट के कंटेंट पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब पढ़ने के साथ ही सुनने की सुविधा भी लोगों को दी जाएगी। गूगल द्वारा एंड्रॉयड यूजर्स के लिए लाए जाने वाले इस फीचर का नाम लिसन टू दिस पेज है। शुरुआती पेज में यूजर्स कंटेंट को हिंदी, अरबी, बंगाली, इंग्लिश, चीनी, जर्मन, इंडोनेशिया, जापानी, पुर्तगाली, रूसी और स्पेनिश जैसे अन्य भाषाओं में सुन सकेंगे।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उस जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 16 मई, ऑप्शन बी है 18 मई, ऑप्शन सी है 17 मई, ऑप्शन डी है 20 मई। इसका सही उत्तर है 18 मई। हाल ही में ONDC स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का 3रा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है हरारे, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए 1891 से 1892 में, ऑप्शन बी है 1907 से 1908 में, ऑप्शन सी है 1904 से 1905 में, ऑप्शन डी 1903 से 1904 में। इसका सही उत्तर है 1907 से 1908 में। तरुण भारत संघ निम्न में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है बेतिया, ऑप्शन सी है मुंगेर। इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दें उनके नाम है पंचम वर्मा, राकेश मिश्रा, छोटू राजा, राजकिशोर महतो, चंदन जोशी, राजीव कुमार, संजीव कुमार, कृष्णा प्रसाद, उमेश श्रीदेव, रिंकी कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, शिव चंद्र मंडल, मेहराज आलम, विजय राम। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से अब तक हुए T20 वर्ल्ड कप मैचों को देखते हुए किस टीम के वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूल। धन्यवाद।